मनारा ने अभिषेक के सामने मुनावर के बारे में कुछ ऐसी बात बोली जहां पर अभिषेक ने जो है मुनावर का ही स्टैंड लिया। अभी मनारा जिन लोगों के साथ पहले बैठती थी वो लोग जो है मुनावर के ही अगेंस्ट होते थे, और जो बात मनारा बोलती थी उसके ऊपर जो है वो चार बातें और लगा के जोड़ते थे कि हाँ भाई मुनावर ऐसा ही है। अब अंकिता जो है, अंकिता काफ़ी सारी चीज़ें कर रही है जिसको जिसके बारे में मैं लगातार आप लोगों को बता रही हूँ। अभिषेक और मनारा जो है ये दोनों गॉसिप कर रहे हैं। गॉसिप करते हुए मनारा बोलती है कि अब मैंने तो इसको बोल दिया है मुनावर को कि एक तरफ तेरी दोस्त अंकिता है, एक तरफ तेरी दोस्त मनारा है, तो तू देख ले कि किसका स्टैंड लेना है। क्योंकि अब अंकिता जो है बहुत सारी चीज़ें ऐसा कर रही है और बोल रही है मैं काम नहीं करूँगी, मैं ये नहीं करूँगी, मैं वो नहीं करूँगी, तो ये स्टैंड नहीं ले रहा, कुछ बोल तक नहीं रहा। अभिषेक ने भी बोला कि हाँ यार मैं इससे बात करूँगा और इसको स्टैंड लेना पड़ेगा। और मनारा का कहना ये है कि ये दिमाग के रूम में तो सबको कुछ ना कुछ बोलता रहता था, पर जब से ये यहाँ पर आया है ना तब से ये कुछ बोल ही नहीं रहा है। तो यानी कि इसको लगता है कि अंकिता की वजह से बोल नहीं रहा, तो वहीं पर जो है बोलता है कि हाँ मैं इससे मुनावर से बात करूंगा, इसको स्टैंड लेना पड़ेगा। अब इनका कहना मनारा का मुनावर के लिए कहना ये है कि ये प्लीज़ प्लीज़ बोलते बोलते ना टॉप 5 में जाना चाहता है, टॉप 5 में पहुंच जाएगा वैसे जाना चाहता है। पर वहां पर अभिषेक ने बोला नहीं, मुनावर को उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मुनावर तो वैसे भी टॉप 5 में पहुंच जाएगा। पर अगर वहां पर कोई और होता और या तो बाबू भैया ही होता तो वो यही बात बोलता कि मनारा हाँ वो इसीलिए जी हजूरी कर रहा है, उसको रिश्ते निभाने हैं, वो रिश्ते बनाने निभाने यहाँ पर आया है कि प्लीज़ प्लीज़ चाट चाट के आगे बढ़ जाए और टॉप 5 में पहुँच जाए, क्योंकि ये और तो कुछ नहीं कर सकता। पर अभिषेक का ये स्टैंड हमेशा ही देखने के लिए मिला। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त, नमस्कार।